भाई रिसेंट स्लैम कर दिया ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एमवीपी टॉप ब्रैकर के ऊपर। टीपीपी था, डीबीएस था, बस ये नहीं था। अरे इस पावर विद शॉटगन इज ओए जीडीआर वर्सेस टीपी नहीं छोड़ेगा, जीडीआर घंटा नहीं छोड़ेगा भाई। टीम एक्सपर्ट कमबैक, इमेजिन जस्ट इमेजिन सोल नियो चिकन निकालेगा तो भाई बता रहा यार सारे लड़के चिकन दे दिए इनको। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर स्पाइक, द मोस्ट अवेटेड बीएमपीएस 2023 ग्रैंड फाइनल्स इज फाइनली हियर। ये ग्रैंड फाइनल्स टोटल 3 दिन होने वाला है, 18 मैचेस and there can only be one winner. BMPS 2022 का विनर है टीम सोल। कैन टीम सोल डिफेंड देयर टाइटल? इस बार कंपटीशन तो टाइट लग रहा है मुझे, especially the top performing teams like ताकतवर हो रहा है and TTE. I hope Soul Omega is prepared for this. And unfortunately बकरी बजा की टीम क्वालिफाई नहीं हो पाई ग्रैंड फाइनल्स के लिए। अगर वो भी होता तो भाई क्या मजा आता। एक बार देख लेते इस ग्रैंड फाइनल्स में खेलने वाले टीम्स। फर्स्ट वी हैव टीम इनसेन ईस्पोर्ट्स, 8-bit ईस्पोर्ट्स ताकतवर हो रहा है। बाप रे बाप, आई थिंक ऑडियंस गाली दे रहे होंगे इसलिए ऐसा कर रहा है। बट यार वन थिंग आई एडमायर इन दिस गाय, ओनली वन थिंग बता रहा हूँ, इसका कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तो है। टीम एक्सपार्क, हाइड्रा ईस्पोर्ट्स, ऑटोबॉट्स ईस्पोर्ट्स, जेन एफएम ईस्पोर्ट्स, टीम साइक, ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स, न्यूमैन गेमिंग, 22E ईस्पोर्ट्स, Revenant Esports, GlitchX Reborn, Gladiator Esports, Entity Gaming and the defending champions Team Soul. I wish all the best to the 14 teams that are participating today and may the best team win. Semifinals ka overall standings aap screen pe dekh sakte ho and my top 5 predictions are Blind Esports jo most consistent team mere ko lagta hai and then Insane Esports jo semifinals mein wo log bacha hai. आई थिंक पूरा फॉर्म में लग रहा है आदि। एंड थर्ड आई एम गोइंग टू से हाइड्रा ईस्पोर्ट्स, आई वाज ब्लोन अवे विद देयर परफॉर्मेंस सो फार। नेक्स्ट ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स, द ट्रॉफी मैग्नेट डेस्ट्रो लैंड पे अलग खेलता है तो भाई जीडीआर को रखना ही पड़ेगा। एंड फाइनली द डिफेंडिंग चैंपियंस टीम सोल, अगर सोल टॉप 5 में नहीं है तो भाई इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता इसे। बाकी अपने अपने प्रेडिक्शन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड एमवीपी की बात किया जाएगा तो भाई कंपटीशन कोई नहीं दिख रहा है गॉड बॉट का। सेमीफाइनल्स में 43 किल्स लेके बैठा है वो एंड उसके आसपास कोई नहीं दिख रहा है भाई। फाइनल्स में बस कोई कंपटीशन दे दे इस बंदा के लिए, मेरे को लग रहा है एमवीपी तो यही लेके जाएगा कैप। बाकी आपको क्या लगता है कौन बनेगा एमवीपी? लेट्स सी। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे एक लाइक वाला बटन है उसको फटाफट हिट कर देना ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए। एंड ऑल्सो बहुत सारे बंदे ये लगा के आए इधर तक उनकी है ना बाट लगने के लिए, भाई सब्सक्राइब भी कर दो गुड लक के लिए, इट वुड मीन अ लॉट अगर सब्सक्राइब कर दे तो। वी आर वेरी क्लोज टू 900K सब्सक्राइबर्स। विद दैट बीइंग सेड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट मैच ऑफ ग्रैंड फाइनल्स, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के पास बहुत डेडली पोजीशन है एंड अपना टॉप परफॉर्मिंग टीम तो है ही है। देखते क्या ये चिकन निकाल पाएंगे कि नहीं भाई। मान्या का रोटेशन देखो भाई, लोन वुल्फ फियरलेस रोटेशन, द जोन इज अबाउट टू क्लोज एंड उसके साथ साथ सारे टीम्स जोन के अंदर जगह लेने के लिए स्टार्ट करेंगे अपने अपने रोटेशंस। अरे भाई रिसेंट स्लैम कर दिया ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एमवीपी टॉप ब्रैकर के ऊपर गॉड बॉट, लग गए गाइस अपना टॉप फ्रैगर मर गया। टीपीपी था, डीबीएस था, बस ये नहीं था, लग गए दो बंदे। बता रहा हूं मैं आई थिंक डे टू। अरे देखो और एक टू बोलते ही देखो और एक गया बट दूसरा टीम का लग गए। बता रहा हूँ डे टू डे थ्री पे ये देखने को मिल सकता है कि भाई थोड़े T1 टीम्स है ना एडवांटेज लेंगे सिचुएशन का। देखो उनको चाहिए पॉइंट्स। अरे भाई टीम एक्सपर्ट वर्सेस गॉब्लिन नॉक, गॉब्लिन फिनिश, कैमरामैन थोड़ा दिखाया जाए टीम एक्सपार्क एंड सोल का फाइट को। अरे भाई अक्षत भी नॉक, ओमेगा इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। नहीं नियो भी है ना, किलफिट में कुछ नहीं आया नियो का। अक्षत फिनिश किया, अक्षत भी फिनिश। तो ये बोल रहा हूँ मैं थोड़े टीम्स एडवांटेज लेंगे जो। अरे भाई ओमेगा में गया गाइस, नियो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम सोल। शेड वे सो व्हाट आई वाज सेइंग थोड़े टीम्स एडवांटेज लेंगे उनको चाहिए पॉइंट्स ठीक है। तो दे माय टारगेट टीम्स हु दे थिंक आर वीक,
तो ये सब हो सकता है डे टू और थ्री पे भाई। GDR वर्सेस टीम एक्सपर्ट सारंग इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। सारंग गेट इन कर दिया गाड़ी के अंदर तगड़ा और नॉक कर दिया। क्या नॉक कर दिया, नॉक कर दिया, नॉक कर दिया, नॉक कर दिया। और एक भी नॉक कर सकता है ब्रो। टीम एक्सपर्ट आउट एट हैशटैग 15 भाई। टीटी का बाहर हो गया यार। टॉप परफॉर्मिंग टीम को क्या हो गया वीक 3 से भाई। इनका कुछ अलग ही चल रहा है टीटी का। पता नहीं क्या होगा उनके साथ, क्या हुआ होगा। GDR वर्सेस रेवरेंट ब्रो, दीज आर द फाइट्स, दीज आर द फाइट्स। आई वॉच दिस फॉर बहुत सही थर्ड पार्टी। रेवरेंट 5 फिनिशेस ऑलरेडी, नाइस। एक बार अपना ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग को दिखा दे कैमरामैन प्लीज एक बार। वो लोग क्या कर रहे, कुछ कर रहे क्या, ट्राई भी कर रहे हो कि गिव अप कर दिया ऑलरेडी। अरे ब्लाइंड का, वाह ट्राई को लगा वो टारगेट हो रहा है बट ऐसा कुछ नहीं। ब्लाइंड रोटेशन कर रहा था भाई। ब्लाइंड रोनी बेचारा पलट गया गाड़ी। एक नॉक भाई रोनी फिनिश। ऑटोबॉस पुश कर दिया एंटिटी पे। दो बंदे नॉक, सोमराज नॉक, मिस्टर स्प्रे इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर ऑटोबॉट्स। सी यू, करो भाई करो कुछ करो। वन गुड ग्रेनेड इन द शैक एंड दैट विल बी। अरे न्यूमैन आउट विद जीरो फिनिशेस। लाला क्या हो गया, लाला चेल कोई बात नहीं भाई। अपना ताकतवर गए, ताकतवर गए। जीरो के लिए बाहर हो गए भाई। ये नहीं देखना था मुझे मैच वन यार। मैच वन तो थोड़ा सा जोन था आपके पास, चार बंदे थे। ग्लिचेक्स रिबॉन भाई, ग्लिचेक्स रिबॉन ले लिया सारे किल्स, सारे किल्स ले लिया ग्लिचेक्स रिबॉन ने ऑटोबॉट्स का। एंटिटी वर्सेस ग्लिचेक्स रिबॉन, ये तो होना ही है क्योंकि दो टीम्स होल्ड नहीं कर सकते इधर। नाइस कनेक्शन फ्रॉम ड्यूक। एंटिटी का दो ही बंदे बचे। कैन दे डिफेंड दिस पुश। ओए होए होए होए, ग्लिचेक्स रिबॉन 9 फिनिशेस ब्रो। मजा आ रहा है मुझे देख के ब्रो। जोन इज अबाउट टू क्लोज। कहां से ग्रेनेड नकुल भाई, नकुल इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर ब्लाइंड एंड भाई दे रहा है। ग्लिचेक्स रिबॉन बाहर हो गया बट तो फॉर ग्लिचेक्स रिबॉन बहुत बढ़िया खेले आप। इनसेन ईस्पोर्ट्स टॉप 6 में आ गया, 4 मैन स्ट्रांग है। अरे भाई साहब हर्ष भैया व्हाट वाज दैट। अरे हो जाएगा ना, नहीं वहां फिनिश हो गया। इतना छोटा सर्कल में ऐसा ओपन में पुश नहीं करना था हर्ष को बट कोई दिक्कत नहीं, 3 मैन है ना अभी भी। इनसेन निकाल लेगा। ओए होए होए भाई, रावण क्या भरोसा है भाई बेटा बे, गेट इन करके मस्त क्या। लग गई लग गई लग गई लग गई। PSY आउट। टॉप 4 टीम्स आर इनसेन ईस्पोर्ट्स, ब्लाइंड का नकुल सोलो मैन, 8 बिट का 3 मैन है क्या, हाइड्रा की 3, हाइड्रा की 2 मैन। ऑड्स देखा जाएगा तो। अरे भाई ब्लाइंड, ब्लाइंड दो बंदे नॉक कर दिया ब्लाइंड। नकुल ने इनसेन जैज़ी और किसको, डार्क लॉर्ड, डार्क लॉर्ड को फिनिश किया, जैज़ी को नॉक किया। आदि इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर इनसेन। चलो भाई 1v1v2v3 सिचुएशन है एंड 8 बिट के पास जोन है, मैन पावर है बट सिर्फ किल्स नहीं उनके पास। बट क्या दिक्कत, चिकन मिलेगा तो भाई पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। नो अदर ऑप्शन, आदि हैड उसको ओपन में आना ही था, स्मोक नहीं हुआ डेफिनेटली। नकुल ने भाई पूरा इनसेन की लेफ्ट राइट कर दिया। नकल ओपी हो जाए कमेंट सेक्शन में भाई। स्प्रे गॉड हील बैटल कर रहा है क्या, यस हील बैटल कर रहा है स्प्रे गॉड। स्प्रे गॉड गया। स्पर्श इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर हाइड्रा ईस्पोर्ट्स ब्रो। 8 बिट का तो मेरे को चिकन कुल्ला दिख रहा है भाई। ये क्या था, क्यों व्हाई, अब तो हो ही गया। नकुल एक नॉक किया, वन मोर कनेक्शन, वन मोर, नहीं यार माइटी ने मारा उसको। 8 बिट विनर, विनर चिकन डिनर, फर्स्ट मैच ऑफ ग्रैंड फाइनल्स। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। कुछ
टू बी ऑनेस्ट कुछ मेहनत करना नहीं पड़ा 8 बिट को, टू बी ऑनेस्ट सब आपस में लड़के मर गया। बट यार स्टेडियम क्या दिख रहा है, ऊपर सीट्स पे नहीं बैठे, सब प्लेयर्स के सामने बैठे, बट लुक सिक द स्टेडियम, लुक सिक द सेटअप, लुक सिक। बहुत मजा आ रहा है मुझे, डैम ब्रो व्हाट ए मैच। कोई बात नहीं, अपना मैच वन में टॉप फ्रैगर का जीरो के लिए, कोई बात नहीं। मैच टू अभी चालू होने वाला है तो देखते हैं इस पे क्या होगा। अब बढ़ते हैं अपना मैच टू की तरफ, सोल वर्सेस न्यूमैन। अरे भाई नाइस ट्रेड विक्स की। अरे भाई, अरे विक्स की, ओए नाइस ट्राई विक्स की, नाइस ट्राई। बट सोल के दो बंदे नॉक एंड जीडीआर आ गया तुरंत थर्ड पार्टी करने। एक झटके में जीडीआर ने सोल को बाहर कर दिया ब्रो। द पावर ऑफ थर्ड पार्टी ब्रो, द पावर ऑफ थर्ड पार्टी। डैम ब्रो डैम, सोल का और एक खराब मैच गया सुपर। कैमरामैन थोड़ा सा अपना टॉप फ्रैगर कोड दिखाओ एक बार। लग गए टॉप फ्रैगर की, व्हाट हैपन यार। फिनिश ग्लिच एक्स रिबॉर्न, ग्लिच एक्स रिबॉर्न, लुकिंग स्ट्रांग बे, लुकिंग स्ट्रांग दिस टीम। नाइस वन ग्लिच एक्स रिबॉर्न, नाइस वन, मारो भीख के मारो, फ्री किल से मारो। स्मोक में कितने कितना हाइड एंड सीक खेलेगा मेरे भाई। फहीद भाई किल दे दो, किल दे दो, किल दे दो। डैम ब्रो, कांट बिलीव दिस वाज अ टीम हु डोमिनेटेड। लग गए, लग गई। द टॉप 7 टीम्स आर इनसेन ग्लैडिएटर्स, ग्लिच एक्स रिबॉर्न, टीटीई, एंटिटी, टीम एक्स पार्क एंड ब्लाइंड। भाई ब्लाइंड को क्या हो रहा है, मिरमर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ब्लाइंड के लिए। अरे भाई साहब, अबे जैसी क्या मारा अबे, और ये कौन सा स्किन है। जीडीआर वेल प्लेड, जीडीआर वेल प्लेड। Boys, मेरे को लग रहा है जीडीआर का शिकन है ये मैच। आई होप आई एम राइट, आई होप आई एम राइट। हर्ष वर्सेस एस पावर, नहीं हर्ष नहीं जाने का, नहीं जाने का आगे, नहीं जाने का। सही खेल रहा, सही खेल रहा, सही खेल रहा। इंटेंसिव है, इंटेंसिव है, दोनों टॉप असॉल्टर्स। अरे इस पावर विद शॉटगन इज अ बीस्ट ब्रो, इज अ बीस्ट। इनसेन को बाहर करते, मैंने बोला पहले ही, मैंने पहले ही बोला। जो भी सोच रहे होंगे भाई ये लाइव नहीं है ब्रो, दिस इज प्योर लाइव, चैट भी चल रहा है, बता रहा हूं। इस पावर वाज ओनली पर्सन जो दिक्कत दे सकता था इनसेन को, एंड उसने दिया है। एंड आदि ने भी इसको कैलकुलेट करके सबसे पहला इस पावर पे पुश किया उसने। वाह वाह, इनके मुंह के सामने से गाड़ी निकाल रहा है। चलो अपना टीटी का सेवी प्लेस का भी पेटी बन गया, मुझे लगा थोड़ा टिकटक मैच जा रहा है इनके लिए, बट नहीं। अरे भाई 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 पावर जस्टिन का पेटी। अरे यार और का चार फिनिशेस। अरे भाई साहब बहुत सही ग्रेनेड एंटीसिपेशन था, वो बहुत सही जगह पे ग्रेनेड किया, और एक आ गया तो खत्म है इस पावर। ओए 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 डेल्टा पीजी ब्यूटी वे, ब्यूटी, बहुत सही ग्रेनेड, और किल गया किसको, ग्लिच एक्स रिबॉर्न को। एक बार चैट देखते हैं, चैट में क्या चल रहा है। जीडीआर चिकन, मैं बोलूंगा ग्लिचेस, ग्लिच एक्स। मैंने कमेंट एंटर करने में दिक्कत हो रहा है मेरे को, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं फिर लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारी वजह से हार गए वो। ग्रैंड फाइनल्स भाई, ग्रैंड फाइनल्स में ये सब नहीं करूंगा मैं, मैं स्टिक करूंगा जीडीआर के साथ ही। ट्रॉय भाई कोशिश अच्छा था, एंटिटी सबसे पहले बाहर हुआ। टॉप थ्री टीम्स
भाई ब्लाइंड नकुल क्या सरवाइव कर रहा है बे, क्या सरवाइव कर रहा है। डैम ब्रो डैम, वो हैशटैग 2 आ जाएगा गारंटी बता रहा हूं मैं। नकुल नो फुट बेटा, एकदम साइलेंट एंड किसी ने ग्रेनेड भी नहीं किया। किस्मत भी अच्छा है नकुल का। ये क्या था? ओए कर दिया, कर आप कर दिया नकुल ने, कर दिया कर दिया कर दिया। बच जाओ, पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ। ओए डैम ब्रो डैम। With that, it's a winner winner chicken dinner for Gladiator Esports, bro. Prediction, OP or what? Prediction 100 कर दो comment section में। बता रहा हूँ my predictions are still working on point. Damn bro, क्या setup है, क्या setup है इतना बड़ा screen में। Beautiful setup. Happy for Destro and the boys. बोला मैंने LAN पे अलग खेलता है GDR. Knuckle bro OP, अरे भाई Knuckle ने Glitchex Reborn को जो दिया है ना उसी वजह से जीते भाई। मैंने लाइक करना भूल गया इस वीडियो को, इसलिए लाइक कर दिया। अगर आप लोग भी भूल गया ना लाइक करना वीडियो को, लाइक कर देना ठीक है। क्या ही मैचेस जा रहे, क्या ही मैचेस जा रहे। अब बढ़ते हैं अपना मैच 3 की तरफ। ब्रो एंटिटी को पता है ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग इधर जाता है बोल के, क्या एंटिटी टारगेट कर रहा है ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग? ब्रो एंटिटी वर्सेस ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग होगा मेरे को लग रहा है। एंटिटी जान बुझ के गया उधर। Yes, fight हो गया। Top fragger. Top fragger knock. Top fragger knock, guys. Great away down किया जाएगा Team Entity. They are playing on a different level, but growing strong के faith. वो पीछे तो गए हैं, but वहाँ पे देख ली गई है उनकी position और कमला boy का ये nade. ये जाएगा क्या knock कर पाएंगे? ओए थोड़ा सा रह गया। Top fragger का पेटी बन गया फिर से। Top fragger का पेटी बन गया फिर से। चैट तो भाई सपोर्ट तो है भाई, सपोर्ट तो है। एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट नॉक को निकालते हुए नजर आएंगे सोमराज, वो डाउन है जरूर। और अब मल्टीपल फाइट जो यहां पे, ये इधर सोल न्यूमैन और टीम एक्सपर तीनों का फाइट इनसेन। और वो अक्षत को डाउन करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए क्या बढ़िया पोजीशनिंग इनसेन की हमें देखने को मिल रही है, काफी बढ़िया वो हाइट का एडवांटेज। रेव दे रहा क्या पानी के अंदर? शैडो पार्टी फोर्थ पार्टी सब कुछ देखने को मिल रही है। भाई दूसरी तरफ टीम टुगेदर ईस्पोर्ट और ऑटोबॉट उनके बीच में भी एक जंग चल रही थी, जहां ऑटोबॉट के अपने दो खिलाड़ी गवाए में थे। ओए न्यूमैन गेमिंग उनका यहां से बच के निकल पाना बहुत मुश्किल है और गॉब्लिन को एग्जैक्टली पता है। इंपॉसिबल है ब्रो निकालना उधर से, इंपॉसिबल। जब वो सांस ले इंपॉसिबल ऊपर आएंगे तो मुश्किलों में तो अपने आप को पाएंगे, बट वहीं दिख की एक एम ब्रो ओवर ओवर ओवर। क्लच गॉड एंड सवितार आर डेड। और गन के साथ दूसरा नॉक किया सोल गॉब्लिन। अब दो नॉक उनके और दोनों भाई अक्षत फिनिश पानी के अंदर हैं। पहले नियो फिनिश भाई, सोल का और एक खराब मैच जा रहा है क्या पानी के अंदर? अब क्या इन दो प्लेयर्स को वो रिवाइवल मिल पाएगा? बिकॉज़ न्यूमैन गेमिंग वो यहां पे तो अपने दो प्लेयर्स गवाना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। पर अगर रेम दे देना लाला इधर बहुत मजा आएगा देखने में। वो रिवाइवल इनिशिएट किया जाएगा, हालांकि इतना आसान होगा नहीं। न्यूमैन गेमिंग को भी पता है कि दो के बदले सवितार का किल मिल सकता है, बट ओमेगा नहीं छोड़ेगा। बेहतर यही है कि वो रिवाइवल नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। हालांकि सवितार पीछे, एवरी पॉइंट मैटर्स नाउ। अभी भी एक कवर रहने वाला, एक्सपर्ट भी आ गया, सवितार का किल ले लिए चाहेंगे ओमेगा। उन्होंने सवितार का वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया। अक्षत और नियो के रूप में दो कैजुअलिटीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। वन थिंग आई एम सीइंग इज लाइक पीपल आर प्लेइंग, प्लेयर्स आर प्लेइंग सो अग्रेसिव। जो एडिशन हुआ है ज्यादा अग्रेसिव खेल रहे हैं। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग को भाई वापस में वो वाला रोटेशन देखना चाहता हूँ, जो एकदम सेंटर में चले जाते हैं ना, सेंटर में वैसा वाला रोटेशन चाहिए मुझे। एक्लिप्स भैया दिला दो। ऑफलाइन में कर दिए तो भाई लैन पे भी करके दिखाना चाहिए ऐसा रोटेशन। एक बार दिखा दो वैसा रोटेशन क्या हो रहा है? What happened to Hydra? The dominating performance. I'm starting to question everything now. कोई बात नहीं, देखते day 2 भी देखते, अभी कुछ comment नहीं करना। अरे बाप रे बाप, GDR देखो बे, देखो GDR
भाई कैसे मार रहे हैं ये लोग, कैसे मार रहे हैं, वाह। ग्लैडिएटर्स वर्सेस साइक की वो फाइट देखने को मिली और उसके बाद टीम साइक वो ग्लिचेक्स रीबॉन से आ भिड़ी, वहीं दूसरी तरफ टीम एक्सपर्ट वर्सेस कैमरामैन एक बार अपना ताकतवर टीम को दिखाओ प्लीज, प्लीज कैमरामैन प्लीज। अबे मर गए ऑलरेडी, अबे कब मर गए ये, जोन का सेंटर वाला रोटेशन करते करते मर गए क्या भाई, मर गए भाई ये। अभी भी ब्रिज के नीचे हील बैटल कर रहे हैं ब्रो, उनके पास वो बहुत बेहतर रहने वाले, अपोलो के पास कोई भी फोर्स नहीं है, उन्होंने सोचा जाते-जाते ब्रो 1 घंटे से फाइट चल रहा था इधर रेवेनेंट 8 बिट एंड एनिग्मा के बीच में, एंड फाइनली भाई रेवेनेंट अपोलो लेके आया, वो भी जोन से मर गया अभी। पड़ेगा बिकॉज़ जोन तो इनसे बहुत, ओए जीडीआर वर्सेस टीटी नहीं छोड़ेगा जीडीआर, घंटा नहीं छोड़ेगा जीडीआर, तो भाई रैंपेज मोड में है भाई, रैंपेज मोड में। टीम एक्सपर्ट वर्सेस जेनेफन, सारंग 5 फिनिशर्स, टीम एक्सपर्ट 8 फिनिशर्स भाई, टीम एक्सपर्ट कम बैक दिख रहा है मेरे को इस मैच से, क्योंकि सर्कल जस्टिन जोन से कैसे नॉक हुआ, जोन डैमेज इज टू हाई, न्यूमैन बाहर। व्हाइल यू आर वाचिंग दिस मैच, मेरे को सुनने में आया कि पहला मैच न्यूमैन के लिए जोन का पूरा एडवांटेज, कनेक्शन इश्यूज थे तो उसके वजह से रीस्टार्ट हो सकता है वो मैच। फिलहाल इस मैच में देखा जाएगा तो भाई ब्लाइंड के पास बहुत बढ़िया पोजीशन है, टीम एक्सपर्ट काइंड ऑफ फंस गए थे, बहुत ज्यादा कम है डैमेज उनके ऊपर, बहुत ज्यादा दिया गया है। अरे बाप रे बाप, किल्स ही किल्स मिलेंगे अभी ब्लाइंड को तो भाई, मान्या भाई जोन हार्ड शिफ्ट, अब तो सब जोन के लिए भागना पड़ेगा। 8 बिट एंड ब्लाइंड मिलके टीम एक्सपर्ट को बाहर करने वाला है, और ऐसे में ग्लिचेक्स रीबॉर्न, ये एक स्क्वाड जरूर, ग्लिचेक्स रीबॉर्न ये कहां से मार रहे हैं, लेके जाए। चलिए बातचीत कर रहे थे वहां पे, एक खिलाड़ी को डाउन किया, इस पुकार द लास्ट मैन स्टैंडिंग आई थिंक ही इज, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहां पे नजर आते हुए, दो खिलाड़ी बचे हुए और फिनिशेस ब्रो, अपना ताकतवर और टीटी कहां गए ये दोनों, जाने के लिए उनको टीटी को जीडीआर ने वाइप किया, ग्रोइंग स्ट्रांग कैसे मर गया। द टॉप 6 टीम्स, ग्लिचेक्स रीबॉर्न, ब्लाइंड, 8 बिट, टीम एक्सपर्ट, जीडीआर। जीडीआर एंटिटी हमेशा हील बैटल करते हैं, देखते हैं कितने फर्स्ट एड किसके पास है, डेल्टा पिच के पास 7 फर्स्ट एड। अरे बाय बाय बाय, खत्म खत्म खत्म, नॉक भाई, यहां पे क्या हो रहा भाई, नॉक, वाह मां के गिरिया बड़वा नीचे, अबे ये क्या था, ब्लाइंड की तरफ से ये एक ने खुदा, ठीक है हम डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे, इस डायलॉग का डेफिनेशन यही था, देखो डिस्कस कर रहे आपस में। बहुत ज्यादा फनी मोमेंट था ब्रो, बहुत ज्यादा फनी मोमेंट था वो ब्रो। ग्लिचेक्स, ग्लिचेक्स का भाई, ग्लिचेक्स का कंसिस्टेंसी देखो बे, कंसिस्टेंसी तो है भाई, प्राउड ऑफ दिस अंडरडॉग टीम, प्राउड। लास्ट ऑफिशियल में TWM, इस ऑफिशियल में ग्लिचेक्स रिबॉर्न, मैड रिस्पेक्ट माय फ्रेंड्स, मैड रिस्पेक्ट। लैन पे भी दे रहे हैं, ठीक है, लग रहा है इनका 7 फिनिशेस। ओए नॉक माइटी, बहुत लोग कंफर्म करने का कोशिश कर रहा है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितनी देर तक रुक सकते हैं, बिकॉज़ नाउ उनके पास कोई हीलिंग, 1v4 सिचुएशन है इसका, एंड जोन में नहीं है ये, किल देगा या नहीं, अरे जोन से मरेगा, मरेगा जोन से, जो नॉक उन्होंने प्लेयर किया उसको गया। विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फाइनली फॉर ग्लिचेक्स रीबॉर्न ब्रो, ब्रो कंसिस्टेंसी की बात हम कर ही रहे थे, इंप्रेस्ड इंप्रेस्ड, 3 मैचेस पूरा कंसिस्टेंसी, पूरा कंसिस्टेंसी ब्रो, दबा के सपोर्ट करो इस टीम को, बता रहा हूं। चिकन डिनर निकाला है और मैं 2 मैच के बाद ही कह रहा था कि अगर ओवरऑल स्टैंडिंग, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं अपना मैच 4 की तरफ, टीम एक्सपर्ट वर्सेस टीटी ही चल रहा है उधर, टीटी के 2 बंदे नॉक होने वाली है, मोलोटॉप का बढ़िया इस्तेमाल, जांचा परखा थोड़ा, एक बंदा फिनिश हो गया एक और ग्रेनेड के साथ, वो ग्रेनेड ठिकाने पर, कैमरामैन यार मुझे लगा बच गया बे, डेस्ट्रो खत्म, डेस्ट्रो बिल्कुल भी भनक थी नहीं कि वो मोलोटॉप खत्म हुआ या फिर नहीं हुआ, डेस्ट्रो वो हो जाएंगे समाप्त। ग्लैडिएटर कैमरामैन थोड़ा एक बार दिखा दो उधर, टीटी वर्सेस टीम एक्सपर्ट का फाइट, अरे टीम एक्सपर्ट कभी मर गया क्या, उनके जो फाइट शुरू हुई थी एक खिलाड़ी था इधर चल रहा है फाइट, जिस तरीके से लास्ट मैच में एंटिटी ने किया फाइट अगेंस्ट ग्रोइंग स्ट्रांग, सेम चीज टीम एक्सपर्ट टीटी, बता रहा गाइस दिस विल हैपन कॉम्पिटिटिव में, ये सब कॉमन है, बट सर्कल के अंदर यहां से भी पहुंच सकते हैं अगर फाइट को अवॉइड, दो किल ले लिया टीटी, देखो टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स उनको भी अब भाग रहे, दे आर रनिंग फॉर देयर लाइव्स, रोटेशंस है वो इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे,
सारंग इस मुकाबले में कल परसों और ज्यादा हो गए बता रहा हूं चुके हैं बट अभी भी यू डोंट डिजर्व टू बी हियर ब्रो दिस इज व्हाट हैपेंस बढ़िया रोटेशन टकरा के दूसरे छोर पर देखने को मिला पर न्यूमैन के तीन खिलाड़ी और तीनों के पास डीबीएस और देखिए तो सही कितने तेजी में वो तीनों खिलाड़ी ऊपर चढ़ने को तैयार हैं जिया बट देखना ये कि स्ट्राइकर क्या वो कोई नॉक निकाल पाएंगे वो गन का अरे भाई शैडो क्या पुश करके मारा टेकडाउन किया जाएगा और अब टीम न्यूमैन गेमिंग को लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर पीएसवाई टीम साइक अब वो मात्र एक खिलाड़ी एडमिन को क्यों दिखा रहे और जी बोले तो और जी को नहीं दिखा रहे नीचे एडमिन को दिखा रहे देखकर के गया जरूर बट वो ग्रेनेड कुक करने की आवाज में विद दैट जो दिक्कतें हो बड़ी और न्यूमैन तीन किल मिल गया दूसरे कंपाउंड के अंदर वो रहने वाले हैं ग्लैडिएटर्स एक बार हाइड्रा वर्सेस सोल गाइस खेलते हुए नजर आएंगे हाइड्रा वर्सेस सोल ग्रेनेड की वर्षा की जा रही है टीम सोल की बात करें ब्रीदिंग पेस उनके पास उतना ज्यादा बेहतर है नहीं बट गोब्लिन ने नॉक किया स्प्रे गॉड को उन्होंने टेक डाउन किया अरे बाप रे गोब्लिन ने नॉक सामने के साइड टीटी वाले जोन से मर रहे बे व्हाट इज हैपनिंग गोब्लिन को टेक डाउन किया स्टार बॉय को उनको वो नॉक निकालना चाहिए सोल अग्रेस करेगा वो खिलाड़ी मौजूद था टीम हाइड्रा सोल अग्रेस करेगा और खराब प्रदर्शन की तरफ बढ़ते हुए रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जाएगा टीम सोल के द्वारा पर दिक्कत ये है कि ये दोनों ही टीम्स बिल्कुल सेंटर की तरफ मौजूद है और ऐसे में आसपास हर जगह फाइट सी फाइट इंसेन वर्सेस इग्वेट सोल वर्सेस हाइड्रा टीम एक्सपार्क वर्सेस जेनएफएम उनके पास ऑटोबॉट्स अभी भी तीन खिलाड़ियों के साथ मौजूद साइकैट वो भी समाप्त व्हाट द हेल वे टीटी ईस्पोर्ट्स बस्ती अब मात्र केवल एक खिलाड़ी के साथ अलग गेम खेल रहे हैं लोग तो टीटी टीम एक्सपर्ट स्लैम देगा ओए मिल गया एंट्री मिल गया एंट्री मिल गया टीम एक्सपर्ट स्लैम आएगा उनको स्पॉट किया जाएगा टेक डाउन किया जाएगा सर्कल के पास स्लैम आएगा सर्कल के अंदर मौजूद टीम की मुश्किलें बढ़ा रही और नहीं स्लैम नहीं अरे हां स्लैम ये घुमा के जहां पर दिक्कत है टीम एक्स का घुमा के स्लैम की भी बढ़ सकती है क्योंकि उन्होंने जो प्लानिंग है वो तो एक टीम की है बट यहां पे ऑलरेडी एक और टीम मौजूद पर आप देखिए मोक्ष ग्रेनेड ठिकाने पर जा सकता है और ठिकाने पर गया पुकार को डाउन किया जाएगा जेनेक्स एफएम जैसे आपने बताया भी यहां पर एक और टीम मौजूद है साथ में ऑटोबॉट वो फिनिशर्स निकाल भाई ड्रीम्स का बेटी बने डाउन किया जाएगा और देखते ही देखते टीम एक्सपर्ट बस्ती है मात्र केवल दो खिलाड़ियों के साथ स्प्रे गॉड वो वहां पर है तो सही पर लैग होने लग गई है नहीं मिलती है सारंग वो भी यहां पर तैनात है पुकार रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली है जेनेक्स एफएम ऑटोबॉट्स अब उन दोनों की फाइट होगी और टीम एक्सपर्ट उनको मौका मिला कि वो अपने आप को रीसेट कर पाए जी हां इंपॉर्टेंट रिवाइवल जो वहां पे ऑलरेडी हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा बट मोक्ष अपने आप को हील करने की आवश्यकता रहने वाली है जोन का ये शिफ्ट आए और अब सर्कल हर जगह डेंजर फाइट चल रहे हैं बट नेक्स्ट सर्कल देखा जाएगा तो न्यूमैन सोल के लिए अच्छा सर्कल है टीम सोल की बात करें सोल एंड हाइड्रा को तो डिफेंड करना पड़ेगा क्योंकि भाई ताकतवर वाले आ रहे हैं वो एज लेने टीम रेवेनेंट के फियर्स उनको टेक डाउन किया जाएगा इस फाइट की बात करेगा तो जेनएफएम टू मैन सर्वाइव कर रहे हैं और टीम ग्लैडिएटर्स टीम एक्सपर्ट थ्री मैन से कायम करने की कोशिश करते हुए दूसरी तरफ विक्स की जैसे कि आप बात कर भी रहे थे एक बहुत ग्लिचेक्स रिबॉर्न और सोल भी हो रहा है अक्षत गोब्लिन दोनों नॉक रेवेनेंट तीन मुकाबले खेलने के बाद 18 अंक लेकर गए थे इस चौथे मुकाबले में टीटी का सेवी प्लेस केवल 3 अंक निकाले हैं फिनिशर्स के हैं वो प्लेसमेंट पॉइंट उनको नहीं मिला अभी तक वीडियो देख रहा तो भाई एक बार टीटी ओपी कर दो भाई क्या खेल रहे क्या कमाल कर रहे भाई पर्याप्त होंगे कल की शुरुआत के लिए भाई ग्लिचेक्स रिबॉर्न वाले क्या कर रहे स्लैम दे दिए सोल पे पर इसी बीच में तीन बंदे गए सोल के किया गया साबितार रैल्फ दोनों डाउन किए गए ग्लैडिएटर्स और जीडीआर बाहर आपको दिखाई देगा टीम एक्सपर्ट फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ऊपर जाना है जेनेक्स कहां से मार रहे सोल को ये तैनात है मोक्ष एक बफर से एचपी बहुत ज्यादा भाई टीम एक्सपर्ट वाइज करेगा जेनेक्स फाइनली आपके कह सकते हैं कि हां एक मैच जोन का खराब रहा वन एचपी मोक्ष भी डाउन किए क्या बात है सारंग मियां वापस पांच सोलो फिनिशर्स भाई सारंग बहुत ज्यादा फ्लो में है एक और खराब शुरुआत उनके लिए जी हां और ये गारंटी गारंटी ली नजर आ रहा है बहुत एमवीपी लिस्ट पे रहेगा सारंग और मेरे को लगता है कि अब एक और फाइट के लिए वो आगे सोल वर्सेस हाइड्रा सोल नियो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एक बढ़िया थ्रोएबल नियो वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए रिवाइवल की आवश्यकता रहने वाली है एंड हाइड्रा का डोरा ओपी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड ब्लाइंड आ रहा है सारे किल लेने इस पावर वो रहेंगे जिनके ग्रेनेड से वो जो फिनिशेस है वो निकलते हुए नजर आएंगे टीम हाइड्रा एनडीटीवी बीच ब्रो आप इसको कम आंक नहीं सकते 1v6 करके गया था गलत फाइट हो रहा है इस एज पे गलत स्थितियां थोड़ी अलग लेकिन जज्बा तो वही टीम एंटिटी बहुत ज्यादा क्लोज है और आप क्रॉस हेयर देखिए टीम एंटिटी का मिनी मैप में देख पाएंगे कि टीम सोल और टीम एक्सपार्क इज डूइंग गुड करीब देखने को मिलते हैं एंटिटी टीम एक्सपार्क इज डूइंग गुड सो फार मिस्टर स्प्रे वो अभी भी डाउन है शायद ताकतवर वाले हटे नहीं हो कंपाउंड से अभी तक दिखाई देंगे टीम एक्सपार्क सही सलामत उनके तीन खिलाड़ी निकल गए मिस्टर स्प्रे उनको समाप्त किया गया सारंग के द्वारा विक्स के कहां से गिर के नॉक हुआ गाड़ी से ब्लाइंड वर्सेस ह्यूमन भाई ये बहुत भारी न्यूमैन के द्वारा क्लच गॉड उनकी एचपी बिल्कुल है भी नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट फाइट है ये न्यूमैन के लिए
ग्रेनेड का अगर थोड़ा बहुत भी डैमेज पड़ा तो अरे भाई दिखाई देंगे क्लच गॉड भी नॉक यार लग गई तीन बंदे नॉक खिलाड़ी के साथ मुझे लगा एक अच्छा मैच जा रहा है न्यूमैन का मुझे लगा इनके पास यूटिलिटीज नहीं होगा। पांच ग्रेनेड सेमीफाइनल्स में क्या खेल रहे थे टीम वाले। आईजीएल को खो दिया गया था पर रॉनी उस ग्रेनेड के साथ अक्षत को करे भाई ब्लाइंड वर्सेस सोल टीम ब्लाइंड उनको रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता हुआ टीम सोल के लिए। जी हां बट रिटेलिएशन में मानिया को भी टेक डाउन किया जरूर गया हुआ है। ओए होए 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 नाइस कनेक्शंस बट यार सोल नियो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम सोल। जा रहे रॉनी वो वहां पे जरूर रिवाइवल देना चाहेंगे। वही टीम सोल की बात करें उनके खेमे में भी जो रिवाइवल की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये एक डिसाइडर फाइट जरूर साबित हो सकती है। हजार बार नॉक हो गए 2v4 का ये सिचुएशन है और वो थ्रोएबल्स वो तो खैर रुक ही नहीं रहे लगातार वो ग्रेनेड मोलोटोव्स उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम सोल के पास ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम है और ऐसे में यहां पे उनका बच पाना थोड़ा ओए 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 नाइस नेड बेहतरीन ग्रेनेड के साथ गेम पर शिकार करेंगे वापस से मान्याता। देखिए बस आप केवल वो गॉड गॉड सारंग को नॉक किया कितने ग्रेनेड थ्रो किए जा रहे हैं। गोब्लिन एक और ग्रेनेड के साथ नकुल को करेंगे डाउन। रोनी जोन से गया ब्रो जोन का वो खिलाड़ी शिकार हो गया और देखते देखते सभी प्लेयर्स उनको भी डाउन। गोब्लिन पुश कर रहा है बे आए गलत टाइमिंग इस पावर सोनी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ब्रो। मेरे को लगा सब आपस में लड़के ना ग्रोइंग स्ट्रोंग को चिकन देने वाले इस मैच सब आपस में लड़के इस मैदान में। सडनली इट्स जस्ट वन मैन फ्रॉम ब्लाइंड एंड वन मैन फ्रॉम सोल इस पावर एंड नियो निकालने का। जी हां मैन एडवांटेज उनके पास रहने और इस पावर लड़ रहा है एनटीटी से। टीम ब्लाइंड हर एक मुकाबले में कोई एक खिलाड़ी होता है जो बाजी पलट के चले जाता है। पहले हमें वो काम लग गई लग गई इस बार इस पावर ने दैट ब्लाइंड इज आउट बट उनका भी सफाया देखने को मिल जाएगा पांचवे पायदान पे। बट इन सब के बीच में ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अपने चारों खिलाड़ियों के साथ। अभी तक उन्होंने कुछ खास फाइट्स ली नहीं है। देखना ये कि क्या ये वो मुकाबला होगा जहाँ पे ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग वो अपना कमबैक करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले ताकतवर वाले टॉप फोर में आ गया बेहतर खेला था गॉड पॉट चाहते हुए नजर आए थे। उनका पीछे जो कंपाउंड है मुकाबले जोतने बेहतर नहीं वही कंपाउंड पे थे गेम के स्टार्टिंग से अभी तक उधर से इधर तक आए और कुछ किए भी नहीं। तारंग 7 सोलो फिनिशर्स पे लेट्स गो भाई लेट्स गो उनके मौजूद है पूरा मौका क्या बात है सारंग चिकनडर निकाल पाए क्लिप से ग्रेनेड बट सारंग के पास क्या उन्होंने वेस्ट नहीं है एंड हेलमेट पूरा गया परखाए पर नहीं पे। चलो फेथ नॉक डाउट किए जाएंगे फिनिश इंस्टेंट समाप्त कर दिया गॉड बॉट एक और ग्रेनेड के साथ। देखना ये कि ट्रॉय क्या उन्होंने देखा उस दूसरे खिलाड़ी को शायद नहीं पर इन सबके बीच में नियो वो सर्वाइवल गेम खेलते हुए उन्हें पता है कि अगर वो तीसरा पायदान भी आए 10 प्लेसमेंट पॉइंट ओए होए होए सोमराज दो बंदे नॉक टीम एक्सपर्ट के ब्रो बता रहा यार ये सब आपस में लड़के ना ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग को बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्लिप्स का ग्रेनेड से नॉक हील बैटल के अलावा उनके पास कोई और दूसरा मौका रहेगा नहीं और ऐसे में ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग उनके पास मौका है कि वो अब थोड़ा सर्कल के अंदर एंटर करते हुए नजर आए। बट इन सब के बीच में टीम सोल नहीं लगेगा वो अभी भी नहीं लगेगा फक बिल्कुल सामने से सारंग भाई इंस्टेंटली टेकडाउन भी किया टीम एक्सपर्ट के लिए। आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया बाप रे बाप किस्मत हो तो इनके जैसा को बट अभी किस्मत हो तो ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग जैसा होगी एंटिटी या ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग या फिर नियो करके जाएंगे कमाल। देखिए छह लोगों के बीच में अगर वो एक खिलाड़ी चलो सो लियो चला गया ना बहुत ज्यादा सिचुएशन टीम एंटिटी और ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के लिए खराब हो सकती है क्योंकि टीम एंटिटी ठीक है कुछ बढ़िया मुकाबले उनके द्वारा खेले गए पर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग उनके द्वारा तो एक भी मैच अभी तक अच्छा नहीं गया। और देखना यह है कि अब इस पर्टिकुलर मैच में ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग क्या वो चिकन निकाल सकते हैं नियो क्या वो इमेजिन जस्ट इमेजिन सोल नियो चिकन निकालेगा तो चैट में क्या चल रहा है ये टाइम पे हाथ वहां पर दिखाई दिया था स्पार्क चैट में क्या चल रहा है रन पुश स्टन उनके पास मौजूद उसका भी इस्तेमाल किया गया सोमराज ग्रेनेड से नियो शायद उनको स्पॉट किया जाएगा पर नहीं स्पार्क की उसको सबसे पहले स्पॉट किया गया स्पार्क की को डाउन स्पार्क की नॉक और देखते देखते नियो अभी भी स्मोक के अंदर मौजूद है नियो उन्होंने डाउन किया स्मोक को और देखते
देखते हैं सोमराज, उनको भी डाउन कर दिया गया है। सोल लियो, क्या वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं? एचपी बहुत ज्यादा कम पर नहीं, ड्रॉ है भाई। बता रहा यार, सारे लड़के चिकन दे दिया इनको इस मुकाबले में लेकर जाने वाली है। सारे लड़के चिकन दे दिए उनको। जी हां, मेजी ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग की वापसी हुई इस मैच में, टीम सोल की वापसी हुई इस मैच में। टीम एक्सपर्ट ने अच्छा खेला और टीम एंटिटी ने बहुत अच्छा खेला। इट वाज अ क्रेजी मैच जो विकेंटी को एक क्या शानदार परफॉर्मेंस बाय ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, क्या ही खेले भाई, फुल डोमिनेशन। केवल नो टीम, टॉप फ्रैगर इज बैक एग्जांपल के विकेंटी में क्या होता है। जी हाँ, और बहुत ही ज्यादा मजा आया। वो कमबैक्स की जो बात कर रहे थे हम, बोल अब तो मेजी भी शॉक में था एक सेकंड के लिए, मैंने देखा है वो खुद शॉक पे है। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग वाले खुद शॉक पे है कि भाई हम चिकन कैसे निकाले बोल के। वो लोग निकाले नहीं, बाकी 15 टीम्स ऐसे दिए उनको। टू गुड बे, टू गुड, लकी तारा, लक कुछ नहीं ब्रो, ओनली स्किल, ओनली स्किल। अबे तीन किल चिकन है क्या? ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के पास गए, थ्री फिनिशर्स, डोमिनेशन और व्हाट। जिया और अहम मुकाबला ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के लिए, उसमें भी एक एक किल देना तीनों का। स्प्रे वॉर तो ऐसी जगह किल दिया, उसके बाद लास्ट में न्यू भी ऐसी जगह किल दिया, और एक किल कहां से निकाले, बड़ा मुश्किल से निकाले। अभी भी कोई बात नहीं, 18 पॉइंट्स, गुड जॉब गाइस। बट फिर भी टॉप पे है एंटिटी, फिनिशेस और प्लेसमेंट मिलके 21 पॉइंट्स है उनका। प्लेसमेंट के ही चार अंक, जो भी है भाई बहुत बढ़िया खेले, भाई बहुत बढ़िया खेले। विद दैट अपना मैच 4 खत्म हो चुका है, अब बढ़ते हैं अपना मैच 5 की तरफ। Glitchex Reborn versus Team X Park. अबे हो जाएगा, आ रहे Glitchex वाले, आ रहे। पकड़ा गया। अब तो Team X Park अग्रेस करे। अब Glitchex Reborn, they're doing really well so far. But Team X Park, देखते हैं फाइट में क्या करेंगे। But this UMP skin is sick, bro. This skin is sick. मेरे को निकालना पड़ेगा ये वाला। Ralph वो भी आए हैं, मौजूद दिखाई देंगे। इन सब के बीच में टीम रेवरेंट वो भी थोड़ी बहुत फिनिशर्स निकाल सकते हैं। क्रेश उन्होंने पुकार को डाउन किया। ओए होए। क्या बात है ब्रो, क्या बात है। और देखते ही देखते दोनों खिलाड़ी Glitchex Reborn का है ना, Ralph इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। Ralph ने पुनः किया, और बाप रे चिपका दिया और एक को। Dream इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम एक्सपर्ट एंड आवर। अरे थर्ड पार्टी करने को आ रहा है, देख थर्ड पार्टी करने के लिए। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग आ गया क्या? नहीं, रेवेनेंट आ गया, रेवेनेंट आ गया, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग भी आ गया। बाप रे बाप, टीम एक्सपर्ट बाहर, रेवेनेंट 2v4 सिचुएशन आ गया, रेवेनेंट आ गया, एमवीपी गया, टॉप फ्रैगर गया, टॉप फ्रैगर का इंस्टेंट पेटी वे फियर्स, इंस्टेंट पेटी भाई। मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, मेरे को जो दिख रहा है वही हो रहा है। ओके, एक नॉक, एमजे खत्म हो गया। चलो भाई, गुड जॉब रेवेनेंट। बट एमजे का पेटी नहीं बनना था इधर, बट कोई बात नहीं। बट ब्रो कितना फटफट, कितना फास्ट खेले भाई सारे के सारे, बहुत बढ़िया। चलो ड्रीम्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग, वो डेड सेंटर में है, देखते कितना अंक निकालेगा वो इस मैच में। बट डैम ब्रो, इनसीडियस एफएम, डैम ब्रो। और एक नॉक, अक्षत गुड जॉब। बट सोल के भी दो बंदे नॉक पड़े, इंस्टेंट रन देना चाहिए इनको। और एक नॉक, जेन एफएम के एक ही बंदा बचा है ब्रो। ड्रीम्स स्टिल सर्वाइविंग सोलो मैन, क्या बात है ब्रो, क्या बात है। अरे भाई कहां से GDR थर्ड पार्टी करते हैं, वो हर बार यहां पे परेशानियों में डालते हैं टीम्स को। और टीम सोल केवल एक प्लेयर बचा हुआ, और 8 बिट ने फ्राग निकाला गोब्लिन के ऊपर। पिछली बार भी मेरा मार का ही मैच था जहां पर टीम ग्लैडिएटर्स ने वो थर्ड पार्टी किया था। मिनी मैप देखिए तो सही, तीन खिलाड़ी गाड़ी ले। अरे बाप रे, अक्षत डैम ब्रो, डैम गुड जॉब अक्षत, गुड जॉब। अरे भाई, he was the last man standing for Team Soul, and भाई with that Team Soul is out. चलो GDR सारे रेव हो जाएंगे ब्रो, GDR बारी पड़ी है ब्रो सोल के लिए। गाड़ी में बिठा लो, बिठाओ गाड़ी में डाल। यस, लेट हो सकते हैं क्योंकि
सही कर गया सही कर गया सही कर गया इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल अभी जैसिन भी गया 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 जैसिन गया जैसिन गया अबे स्लो जोन है हो सकता है शायद रेव हो सकता है शायद रेव किल फिर देख लेंगे अपन नहीं नहीं शायद अबे रेव हो गया ना दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट रेव ऑफ द ग्रैंड फाइनल्स हो गया रेव हो गया रेव हो गया ब्रो ब्लाइंड का है कैमरामैन एक बार ब्लाइंड को दिखाओ एक ही बंदा बचा है ब्लाइंड का न्यूमैन वर्सेस हाइड्रा चल रहा है भाई हाइड्रा का आज तो भाई बहुत खराब गए मैचेस अरे भाई ब्लाइंड बाहर वाओ हैशटैग 9 पे बट इनसाइड 4 मैन बचे न्यूमैन 3 मैन हाइड्रा का लास्ट मैन स्टैंडिंग डूरा ओपी एंड ड्रीम्स एक घंटा से रेबे उधर टॉप 8 में आ गया वो 8 बिट बाहर कर दिया हाइड्रा को ब्रो जूसी का नेट से दो बंदे गए न्यूमैन के लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर न्यूमैन डैम ब्रो एनटीडी वर्सेस रेवेनेंट एंड रेवेनेंट दे रहा है लास्ट मैन स्टैंडिंग है सीयू एनटीडी के लिए भाई बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल एंटी रे अरे भाई कहां से इनसे ने मारा क्या उसको डैम ब्रो ब्रो इनसेन का चिकन है बता रहा हूँ मैं भाई रेवेनेंट तो बढ़िया खेला भाई बढ़िया आठ फिनिशेस फॉर रेवेनेंट न्यूमैन के पास 6 फिनिशेस दो ही बंदे बचे 8 बिट सर्वाइविंग 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 चलो जूसी बाहर दैट मींस न्यूमैन अभी के लिए तो भाई अब सांस ले सकते हैं न्यूमैन वाले ब्रो प्रॉप्स टू ड्रीम्स यार ड्रीम्स टॉप 4 में लेके गया अपने टीम को सबसे स्टार्टिंग में बाहर हुआ था टीम एक्सपर्क ड्रीम्स है ब्रो इनसेन पुश कर रहे इनसेन पुश कर रहे रेवेनेंट पे ब्रो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट फाइट अरे भाई आदि पकड़ा गया आदि नॉक प्यारे हर्ष भी नॉक फ्रॉम ड्रीम्स अरे बाप रे रेवेनेंट के दो बंदे नॉक ब्रो न्यूमैन फायदा उठा सकता है ड्रीम्स भी चिकन निकाल सकता है अभी एनीथिंग कैन हैपन अनलेस सेंसी फटाफट इन दोनों टीममेट्स को रैप दिया तो ब्रो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच ऑफ द डे सो फार ब्रो डार्क लॉर्ड को भी निकालना पड़ेगा हील बैटल कर रहा है ड्रीम्स भी हील बैटल कर रहा है वाओ ब्यूटीफुल गेम अरे भाई ड्रीम्स अरे भाई ड्रीम्स बाहर ब्रो न्यूमैन का चिकन क्या लेट्स गो लाला लेट्स गो सवितार वन वन बी टू क्या वन बी टू सिचुएशन है हाँ वन बी टू सिचुएशन है सेंसी वर्सेस न्यूमैन रेव नहीं हुआ ना अपोलो का रेव हो गया ना ब्रो अरे बाप रे ब्रो सेंसी द लास्ट मैन स्टैंडिंग चल सेंसी ब्रो न्यूमैन को ना अभी कवर छोड़ना पड़ेगा नेक्स्ट सर्कल के लिए सेम गोस फॉर सेंसी एज वेल एक लकी ग्रेनेड विल डू इट बट नहीं हील 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 सेंसी हील अरे यार कोई बात नहीं एंटी 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 न्यूमैन गुड जॉब गाइस गुड जॉब अरे बाप रे फायरवर्क्स अबे सेमी फाइनल तक गिल खेला फाइनल में क्यों नहीं खेल रहा है गिल हाँ अबे यार गिल क्यों नहीं खेल रहा है नॉट श्योर बट कम बैक लेट्स गो
ऑलमोस्ट सभी ने अपना कमबैक दिखा दिया सो फार, अब सिर्फ सोल का बचा है कमबैक। वन लास्ट मैच, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब बढ़ते हैं अपना मैच सिक्स की तरफ, लेट्स गो। अपना फाइनल मैच ऑफ द डे, मैच सिक्स, इरांगल इज अबाउट टू बिगिन। इस बार किसका कमबैक होगा, व्हाट डू यू गाइस थिंक? सोल, हाइड्रा, ताकतवर हो रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भाई भाई जीडीआर, व्हाट द हेल, इनसे ना जीडीआर को बाहर कर दिया। एंड हाइड्रा इज टेकिंग नोट्स, राइट? हाइड्रा इज राइट बिसाइड देम। क्या थर्ड पार्टी आएगा? Insane versus Hydra. Yes, it's happening. Gen FM is... अरे बाप रे, Blind versus Top Fragger. Top Fragger क्या कर रहा है? अरे भाई साहब, Top Fragger इधर देखो। मान्या versus Top Fragger. अरे भाई घंटा नहीं छोड़ भाई बुली कर रहे हैं Top Fragger को, Blind तो टीटी बाहर। Growing Strong का एक बंदा बचा है भाई, Top Fragger को ऐसा बुली मत करो यार, थोड़ा रिस्पेक्ट। चलो स्पार्क इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, वो मुंह के सामने है, उसको तो छोड़ेंगे नहीं। इनसेन भी आ गया बे, पूरा पैनिक सिचुएशन। विद दैट ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग भी बाहर। भाई जीएस कम से कम कैमरा टाइम तो लिया भाई, टीटी तो भाई कैमरा टाइम भी नहीं ले रहे, सीधा आरे जा रहे, आरे जा रहे। चलो टीम एक्सपार वर्सेस जेन एफएम, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जेन एफएम मार खाए एंटिटी से, चलो टीम एक्सपार को एज मिल गया। ब्रो हाइड्रा, हाइड्रा अच्छा कर सकती है इस मैच में। 8 बिट वर्सेस टीम एक्सपर्क, ये होगा, ये फाइट होगा नेक्स्ट, अनलेस 8 बिट PSY के ऊपर जाएगा। नोप नोप, अरे भाई ये कहां से पड़ा, किसको? एंटिटी 8 बिट। चलो नॉक उनके, किल इनके, 8 bit mighty is the last man standing. Insane bahar ve, wow, this I did not expect. Hydra versus entity, bro Hydra ke paas 6 finishes bro, ek comeback mere ko dikh raha hai, matlab isse pehle bhi acha hi kar rahe the wo, but not so well to be honest, apni original form mein nahi hai aisa laga mere ko, but is match mein hard race so far. Next zone kisko favor karega? चलो आ गया टीम एक्सपर्ट का एंटिटी पे, मैंने बोला था ना ये जगह पे आएंगे ब्रो, टीम्स आएंगे इधर। ओए क्या नेड़ता बे गमला बॉय, बहुत सही नेड़ता। चलो विद दैट ड्रीम्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, भाई टीम एक्सपर्ट एक ही किल। चलो हाइड्रा क्या थर्ड पार्टी करने, गैमला बॉय इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ब्रो, द ऑड्स आर लुकिंग गुड फॉर हाइड्रा, बट एंटिटी सही कर रहा है, नेड्स वगैरह करके डिले कर रहे हैं उनका पुश। ड्रीम्स भी खत्म हो गया, दैट मीन्स टीम एक्सपार्क इज आउट, फिफ्थ पोजीशन पे बाहर हो गया एक किल के साथ। जेन एफएम 9 फिनिशेस, 2 मैन स्ट्रॉन्ग, देखते हैं क्या करेंगे। Bro, I don't want to jinx it by saying this, but यार मेरे को clearly दिख रहा है। इधर Hydra या Entity, इन दोनों में ही कोई निकालेगा चिकन। But imagine इन दोनों का fight हुआ and Gen FM आके निकाल दिया चिकन। तो what I was trying to say is like Gen FM का चिकन होगा, but मैं कुछ नहीं बोलूँगा। I'm just gonna enjoy the final match of the day like this. अरे भाई गमला बॉय नॉक, स्टार बॉय एक बढ़िया ग्रेनेड करेंगे, गमला बॉय को टेक डाउन किया गया। सोमराज की बात करें वो वाटर टॉप उनके बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए। अरे भाई गमला फिनिश भी, वो प्रेसाइसनेस काफी बेहतर जहां पे गमला बॉय, आई लाइक द वे हाइड्रा इज अप्रोचिंग दिस, वो बिल्कुल अग्रेशन नहीं दिखा रहे, कैलकुलेटिव एकदम कंपोजर के साथ
कर रहे जो भी कर रहे ताकि वो चिकन निकाल सके जेन एफ एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि भाई दो तीन बंदे आपस में नॉक हो जाओ हम आके चिकन निकालेंगे। ओरे इंस्टेंट ट्रेड फ्रॉम स्पर्श फिनिश 2v2v4 सिचुएशन है। हाइड्रा हैज द अपर हैंड स्पॉटेड। ओए ये क्या था क्यों छोड़ दिया स्पर्श जोन से जाएगा। वाह जेन एफ एम बाहर 2v4 सिचुएशन एंड हाइड्रा का दो बंदे नॉक दिस इज देयर चांस। एनटीटी कैन पुश चलो इसको फिनिश करते ट्रॉय ने। अरे सी यू नॉक हो गया। ट्रॉय इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर एनटीटी। 1v3 सिचुएशन है इसका। And with that, it's a winner chicken dinner for Hydra Esports. A comeback. Definitely Hydra fans super khush. Bol raha tha main. Fifth match ke baad hi main bol raha tha bhai. Last match bhi koi na koi comeback karega. And it happened. Super happy for the boys. Bhai, I'm not sure where Soul is standing in the overall standings. Ek baar dekhna padega. Soul, GDR, Revenant definitely wo top 3 ya 4 mein rahega. मेरे हिसाब से। नाउ इट्स टाइम फॉर ओवरऑल स्टैंडिंग्स एंड ओवरऑल स्टैंडिंग्स फाइनली एनटीटी बिल्कुल टॉप पे 75 पॉइंट्स के साथ। सेकंड वी हैव ब्लाइंड टीम एक्सपार्क ग्लिचेक्स रीबॉर्न इनसेन ईस्पोर्ट्स जीडीआर 8bit रेवेनेंट। डैम ब्रो आप देख सकते हो पॉइंट्स उतना दूर नहीं है। एक चिकन सीधा जंप मारेंगे #1 पे। द कॉम्पिटिशन इज वेरी क्लोज बिटवीन टॉप 3 एंड 4, 5, 6 भी उतना दूर नहीं है। टॉप 6 टीम्स में कोई भी चिकन मार के टॉप 6 नहीं टॉप 5 में कोई भी चिकन लेके सीधा टॉप पे आ सकता है। बट सम रियली कंसिस्टेंट टीम्स दिख रहा है मेरे को टॉप पे। टाइम ब्रो ग्लिचेक्स रिबॉन उतना अच्छा नहीं गया लास्ट 2 मैचेस उनका और एल्स दे वुड हैव बीन ऑन द टॉप। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। टाइम ब्रो बॉटम सबसे बॉटम पे ऑटोबॉट्स कैसे बॉटम पे चल रहे हैं। टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग जीएस एंड टीटी टू बी ऑन 15th एंड 16th बट थोड़ा इंप्रूवमेंट तो दिखा रहे हो। चिकन के बाद भी 14th पे भाई दैट्स अ न्यू रिकॉर्ड दैट हैज टू बी अ न्यू रिकॉर्ड राइट। एंड सोल 13th पोजीशन पे वाओ दैट इज द मोस्ट शॉकिंग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। कोई बात नहीं अभी भी 2 दिन बचा है एनीथिंग कैन हैपन। न्यूमैन इज एट 9th पोजीशन हाइड्रा इज एट 10th। द कॉम्पिटिशन बिटवीन द 14 टीम्स is too high my friends। day 2 पे कुछ भी हो सकता है कोई बैन भी हो सकता है। मजाक कर रहा हूं मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला बट कमबैक तो जरूर हो सकता है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक डे 2 पे कौन कमबैक करेगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी एमवीपी कौन है सो फार कुछ दिखाएंगे तो वो भी दिखाएंगे अपन। बाकी भाई टूर्नामेंट इतना लेट तक चला आज तो भाई 12 चल रहा है अभी टाइम। मैंने सोचा ये वीडियो बना के लाइव स्ट्रीम करूं रैंक पुश का। भाई अब बैठ के मेरे को रैंक पुश करना पड़ेगा। अगर अभी तक वीडियो देख रहा है तो कमेंट करना 3-3 एंड अगर आप लोग को सो फार वीडियो मजा आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। अगर तुम लोग को डे 2 का हाइलाइट्स चाहिए तो इस वीडियो पे कर दो 25k लाइक्स गाइस कर दो यार इट वुड मीन अ लॉट। विद दैट बीइंग सेड मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो पे। एंटिल देन पीस।